दर्स फहानी। जी जनाब, ये है हमारे शो का नाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। आपकी बहुत सारी तालियों में लेट्स वेलकम बरकत एंड उज़्मी। आप इतना अच्छा बुलाती हैं। बिल्कुल। आप सब शो में क्यों बुलाती हैं? वैसे क्यों नहीं बुलाते? नहीं, मैं मतलब वैसे भी हम कहीं मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कई रेस्टोरेंट में, हाँ, कई रेस्टोरेंट में मोहब्बतों का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। जरूरी है कि मोहब्बत हो वाली हो, मोहब्बत ऐसी भी अच्छी वाली भी होती है। मोहब्बत के लिए रेस्टोरेंट में जाने की जरूरी है, क्या वजह है? ये अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा आपने शो की अनुवाद में ये बात। लेकिन आजकल सीसी कैमरे लग गए तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। छोड़ दें बात, अच्छी बात की। पाकिस्तान में मोहब्बत की शुरुआत होती है ना, पाकिस्तान में जैसे बाहर मुल्कों में, अगर बाहर मुल्कों में मोहब्बत की शुरुआत होती है, एक दूसरे को फूल देते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं, गाने सुनते, खाना खाते हैं। हमारे मुल्क में जब मोहब्बत की शुरुआत होती है, सबसे पहले इजी लोड करवाते हैं। है? और मैं कहता हूँ, दुनिया का कोई भी डॉक्टर लड़कों की उस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो उन्हें लड़कियों को देखकर होती है। आपको देख के होता है ना ऐसा? क्या टीवी के मरीज बना दिए इन्होंने? टीवी के नहीं, टीवी के। अच्छा अच्छा, आपको पता है हमारे पाकिस्तानी लड़कों ने एहतजाज किया है क्या, कि शादीशुदा खवातीन जो है, शादीशुदा खवातीन जो है, अपने आईडी कार्ड पे नाम के साथ मिसेज भी लिखा करें, ताकि हमारा टाइम और जज्बात दोनों जाया ना। हाँ, वैसे ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे आप हंसी? नहीं, मैं आपकी बातों पे हंस रही हूं। आप भी हंस रही हो कोई तो? वैसे आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? हाँ, ये बताइए। मेरा कोई ख्याल नहीं है, नो कमेंट्स। किसी का कोई ख्याल हो, आप लोग ख्याल को आगे बढ़ाओगे, ये क्या ख्याल है? नहीं, आप मानती हैं कि मोहब्बत इज पेज वर्क और डिटेल वर्क? अरे नहीं, मेरा मतलब मोहब्बत के बारे में कुछ ऐसी बात है जो उड़ती उड़ती आपके दिमाग में, कुछ ऐसी चीजें हैं? Coming back to the show. Coming back to the... जी जनाब, बहुत अच्छा, इग्नोर करते हैं। जी, तो हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी बहुत प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनसे हम आपको जरूर मिलवाएंगे, लेकिन उनका नाम हम आपको अभी नहीं बताएंगे। ये भी कहिए, साथ रहिएगा। जी, हम आएंगे वापस एक ब्रेक से, हमारे साथ रहिएगा। यस यस, साथ ही हैं। वेलकम बैक जी जनाब। गेस वॉट, हमारे साथ कौन मौजूद है आज? हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं नुसरत वाहिद साहिबा को, जो कि पीटीआई की एमएनए हैं, फैशन डिजाइनर हैं और इंग्लिश में लेक्चरर हैं। अरे माशाल्लाह। और क्या? जी, लेट्स वेलकम नुसरत वाहिद साहिबा। लेकिन जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारे दिखते हैं और बहुत ही ज्यादा आजकल बिकते हैं। और अच्छा, गाते भी हैं, डांसर भी बड़े अच्छे हैं, एक्टर भी बड़े अच्छे हैं, मॉडल भी बड़े अच्छे हैं, और ये सफर के आदमी बड़े अच्छे हैं। आप इनके साथ सफर करें, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही क्यूट अपराध रसूल साहब। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको अफरोज। सिर्फ इसके माफ कर रहा हूँ आपको, क्योंकि रोज आ रहा है और हर रोज आ रहा है। थैंक यू फॉर कम। आप बड़े क्यूट माशाल्लाह से हैं, और पीटीआई में बड़े क्यूट क्यूट लोग होते हैं। बाकी तंजीमों में हमने देखा है कि वो चलो छोड़ दो। आप बड़ी क्यूट सी हैं, बड़े फैशन आपका नजर आ रहा है माशाल्लाह, चश्मा स्टाइल, यू नो, ये कहाँ से सब कैसे मतलब, और फिर सियासत में आ गई आप? ये वाला सेंस मेरे अंदर है बचपन से। अच्छा, बचपन से मैं सी हूं। अच्छा, पहले लिपस्टिक कब लगाई थी, किस उम्र में? अच्छा, मैं आप इस बात को मानते हैं कि कुछ लड़कियां, कुछ कह रहा हूँ, कुछ लड़कियां इतना सारा मेकअप करके कहती हैं, मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरी शक्ल से नहीं बल्कि मेरी रूह से प्यार करे। जब लड़की का मेकअप उतरता है तो लड़के की रूह निकल जाती है। So what do you think about this type of makeup? नहीं, मैं बिल्कुल इस तरह के मेकअप के वो नहीं एग्री करूंगी, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। या जो प्लास्टिक सर्जरी लोग करवाते हैं, और इतना बड़ा पर्स लेके निकलती है उसमें सारा मेकअप का सामान, मुझे लगता है इतना बड़ा पर्स लेके निकलती, लगता है किसी की मुर्गी उठानी है। अरे, सारा मेकअप का सामान उसमें होता है। एक मिनट, हाउ डू यू नो कि इसमें मेकअप का सामान होता है? मकान के कागजात होते हैं क्या? चप्पलें होती हैं? अच्छा मैम, एक सवाल है, ये एसएमयू में, ये आवाम की ख्वाहिश है, ये असेंबली में शैतान तो बहुत आते हैं, ये मौत का फरिश्ता कब आएगा? आ जाता है वक्त। कौन सा पॉलिटिशियन समझते हैं जिसको मौत का फरिश्ता ले जाना चाहिए? और हाँ, और वो अब तक ढीठ बना हुआ, अब तक ढीठ बना के मौत का फरिश्ता उसको नंबर दे गया, लोग कॉल दे देना। कौन सा ऐसा? नहीं, नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन नाम है, बहुत सारे हैं। इशारा तो कर सकती है, हल्का सा इशारा, मूंछें हैं, बगैर मूंछें, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, तो नहीं बना। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे ऐसा तो है।
इतना लोग पसंद करते हैं आपको, अच्छा गाते हैं, अच्छा दिखते हैं, डांस भी अच्छा करते हैं, और उनको पता है कि कहाँ कहाँ मुझे डांस करने जाना है, लोकेशन भी पता है इनको। ये बताओ, ये लोकेशन नहीं मिलती ना, ये घर पे अरेंज कर लेते हैं। गूगल वाली फोन करके कहती है दिस लोकेशन इज राइट हियर, प्लीज कम हियर। तो इतना अचीव किया माशाल्लाह कर रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत 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 सारा अचीव कर लिया, बस अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके रिटायरमेंट ले लूँ, उससे ज़्यादा काम नहीं होगा। इसका मतलब है आगे अच्छा काम नहीं मिल रहा। अच्छा काम सीधा सीधा बोले आप, के हो क्या रहा है? मैं भी आर्टिस्टों के लिए कुछ कर रहे हैं ना, इतना कुछ करना चाहते हैं हमारे आर्टिस्ट, उनके लिए कोई वसाइल नहीं है, कोई एक चैनल पे एक लॉबी इतनी बन चुकी है। और मैम खास तौर पे पीटीआई के जो जलसे होते हैं उसमें से बहुत सारे आर्टिस्ट निकलते हैं जो आके मतलब परफॉर्म करते हैं। आर्टिस्ट बैठे होते हैं भाई। आर्टिस्ट भी बैठे होते हैं और नए आर्टिस्ट भी आते हैं, सिंगर्स भी। बिल्कुल सिंगर आते हैं। अभी देखे ना वो अल्लाह रखा साहब कितना मशहूर हुए, वो तो लेकिन नूली का था जलसा जो भी, लेकिन हुए तो जलसे से मशहूर ना। बिल्कुल हाँ, तो ये तो नहीं नहीं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ तो हर एक को प्रमोट किया जाता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप ऊपर आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आपको दबा दिया जाए या आपने काम नहीं किया तो आप खाम खा ऊपर ले जाएं, इस तरह नहीं है। जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो कर सकता है कुछ, वो फिर ऊपर जाता है। अच्छा खान साहब की पार्टी क्यों ज्वाइन किया? ये बहुत सीरियस हो जाएगा। अभी आप हंसते रहे बोलते हैं। कोई एक ऐसा आदमी जो सिंसियर हो पाकिस्तान के साथ। अच्छा अच्छा, 2009 में वापस आई। खान साहब के अलावा आपको कोई नजर नहीं आया? कोई नहीं। पहले आप कराची बॉर्न है? कहाँ? नहीं मैं कराची बॉर्न नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद के पास है वाकेंट। वहाँ वाकेंट हम लोग को प्राइस बॉर्न है। हर आर्टिस्ट को भी खान साहब के अलावा कोई समझ नहीं आता। जो आर्टिस्ट है वो खान साहब को ही। अच्छा अफरा शादी हो गई आपकी? जबरदस्त बेहतरीन शादी हुई मेरी तो। बेहतरीन क्या मतलब? क्या बर्तन उछाले थे? बेहतरीन शादी क्या हुई? नहीं बहुत अच्छे से। बच्चे कितने? मेरा अभी बेटा हुआ है माशाल्लाह शामी, 2 महीने का, और एक बेटी है मेरी 8 साल। अरे 8 साल की, माशाल्लाह आपकी शादी को 9 साल हो चुके हैं। हो चुके हैं मैम, देखिए। और जब हमने साथ ट्रैवल किया था बैंकॉक, अगर आपको याद हो, उस वक्त नहीं हुई थी? हाँ, उस वक्त वहाँ जाके आपको लगा कि करनी चाहिए? बैंकॉक में ऐसा क्या देखा आपने जो आपने कहा यार वापसी में शादी करूँ? 4 बड़े प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के, बेरोजगारी, महंगाई, लोड शेडिंग और नौजवानों को हर हफ्ते होने वाला सच्चा प्यार, तो इन 4 के बारे में आपकी क्या राय है? 3 तो एग्जिस्ट करते हैं, जेन्युइन है, लेकिन हर हफ्ते कैसे प्यार हो सकता है मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं आता जो जरा सा भी उल्टा है सीधा हो। अच्छा? अगर कोई कर देता है ना, क्या हो गया लोगों को यार हमारे? यार मतलब इतनी क्यूट हैंडसम नहीं, वैसे अपार्ट फ्रॉम जोक आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। हां तो फिर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आता? अल्लाह नजरें बस से बचाया। थैंक यू सो मच। प्यारा सा कलर आपने पहना है, रिफ्रेशिंग सा। अरे शादी मोहब्बत की कितनी है? अरे शादी मोहब्बत की है? अरे इसीलिए हैरान हो रही हूं ना कि हर हफ्ते कैसे हो सकती है मोहब्बत। ओह अच्छा अच्छा, तो हस्बैंड आपकी क्या करते थे? वो दुआ करते थे। He was GD pilot at that time. क्या था? GD pilot. GD pilot थे? माशाल्लाह। हाँ जहाज तो हम भी उड़ाते हैं लेकिन जमीन पे। पहली मुलाकात कहाँ हुई आपकी? वो ऊपर से जहाज लेके गुजरे थे हाथ हिलाते हुए, क्या किया? टिपिकल लाइट मारी थी उसने आपके फेस पे। ओह व्हाट इज दिस? आप देखते रह गए लाइट देख। ओह मैम, ओह नुसरत, उस लाइट पे आप नजर आए फोकस में। और आप है भी वाहिद, नाम ही आपका वाहिद है, मतलब एक ही नुसरत है। ओह नुसरत, हम 11,000 बुलंदी पर उड़ रहे हैं और इनको लेके 35,000 की बुलंदी पर उड़ रहे हैं। अच्छा तो उन्होंने प्रपोज किया, आपने किया? नहीं जाहिर है उधर से ही था। उधर से ही था, यानी जाहिर है ये आपने अपने ऊपर, मतलब जाहिर वहीं से होगा। क्यों वो लड़कियां भी करती हैं परपस में, वो भाई हक है, हक है, लड़की कर सकती, बोल सकती है, वो भी कर सकती है। शादी के लिए हाँ नहीं करके तो निकल नामे पे दस्तखत नहीं हो पाए। इतने पुराने जमाने में लड़कियां इस तरह की नहीं थी। कौन से जमाने में? पहले जमाने में तो लड़कियां मैडम धाड़े मार मार के रोती थी रुखसती के वक्त, और आज की लड़कियां रुखसती के वक्त रोती नहीं है। कहती सर चेक करके तो बता बाबा नाजम आउट तो नहीं हुआ। मैं मैडम आपको ज्यादा टेंशन
इस बात की होती है रोएंगी तो ये बैठ जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा। अच्छा मैडम, इस बात को मानती है कोई लड़की कितनी ही माहिर ब्यूटिशियन क्यों ना, लेकिन अपनी शादी पर खुद मेकअप करने का रिस्क कभी नहीं लेगी, क्योंकि आप भी एक ब्यूटिशियन है। तो आपने अपनी शादी में मेकअप किया था? नहीं, अपनी शादी पर नहीं किया, लेकिन दुल्हन ने बहुत बनाती थी मैं उस जमाने में, बगैर दूल्हे के। तो कितनी दुल्हन आपने तकरीबन बनाई? तैयार की होंगी, तैयार की। काश मेरी शादी आपसे हौसला आती, बहन हो जाएगी, अल्लाह बेहतर करे। ये होता है ज़हनी तौर पर तैयार करना। मुझे 15 साल हो गए होते हुए। मैडम जी, इनकी शादी को 15 साल हो गए माशाल्लाह। इसकी बीवी उसको मामू मामू बोलती है प्यार से, अटैचमेंट हो गई है। हाँ, खानदान वाले जरा दूर रहते हैं तो वो आपस में हम रिश्ते निभा लेते हैं। अफराज साहब, ये बताइए कि और क्या क्या शौक है आपको? गिटार आप बजाते हैं, डांस आप अच्छा करते हैं, अच्छा गिटार प्ले करते हैं, मॉडलिंग आप करते हैं, सिंगिंग भी आप करते हैं? सिंगिंग भी मैं करता हूँ, और मेरा जो जॉनर है मेरा कॉमेडी हमेशा से बहुत। हाँ, इसलिए आप दोनों मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट और आइडियल हैं, उस्ताद हैं। और सॉरी टू कट यू सर, सॉरी टू कट यू, आपको लाने वाले असवर भाई हैं। वाह, और आपका पहला प्ले मैंने देखा था एक चैनल पे, नाम नहीं ले सकता, नाम वो भी कॉमेडी था। हाँ, बहुत अच्छा था। अफराज भाई, आप इस बात को मानते हैं? मैम, आप इस बात को मानती हैं? आपके लिए सवाल स्पेशल है कि कुछ बातें जो है सीधा दिल पे जाके लगती हैं, कि जैसे कि आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। ये मेरा ख्याल है टाइमिंग पे नोट करता है, उस वक्त टाइमिंग क्या है और आपके हालात में कौन किसी खातून को कभी कॉल किया सामने है ना, कभी मसला बन जाता है ना कि ये नंबर बिजी, ट्रू, कहा भी था कि मैं बात करूंगा। कि मैं इस बात पे हैरान हूं, मैं इतनी देर तक किससे बातें करता है? लोग मेरे साथ ऐसा होता है, मैं तो खत्म उसी के बाद ब्रेकअप आई, मैं पूछता हूं मैडम ये अल्लाह, आज के लड़के मैडम वो क्विकली, इनको फॉर्म रिस्पांस चाहिए, इनको ओके ओके इट्स फाइन ओके नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट अचीव। अच्छा, फिर ये भी होता है ना, कॉल वेटिंग पे मेरी कॉल देखी, मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर ना। नहीं, पर्सनल नहीं, अच्छा जो खुद कर रहे इतनी देर से कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग हैं थोड़े थोड़े नफसियाती 5% है मैडम, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करें तो। हम लोग जब आमने सामने बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो कहते हैं सुन भाई, और जब फोन पे बातें कर रहे होते तो कहते देख भाई। ये आप नोट करें, ये थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी होती है कि आपकी आम जिंदगी में ऐसी बातें बातें कह जाता है, लेकिन वीडियो कॉल ने अब ये मुश्किल आसान कर दी। अब देख भाई और देख भाई और सुन भी। हाँ, अफरोज भाई, अगर एक अफरोज भाई गाना हो जाए हल्का सा, अफरोज भाई हल्की आंच, हल्की आंच में थोड़ा रिलैक्स हो जाए, टेंशन वाले माहौल से निकाले। मैम, प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर, मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। ये शायद लोकेशन खुद बताइए, मुझे नहीं कहाँ आ गए हम। मैं सुनती इस तरह के गाने? नहीं नहीं, बिल्कुल सुनती हूँ मैं, पुराने गाने ही सुनती हूँ। पुराने गानों की बात ही अलग है, 80s 70s गज़लें गज़लें सुनती फास्ट करके। नहीं नहीं, ये ज्यादातर गाड़ी में सुनी जाती है, गाड़ी में सुनने का मजा अलग है, घर में सुनने का मजा अलग है। जी रिदा जी जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सच झूठ। खराटे वाहिद ऐसी मौसीकी है जिसे बजाने वाला खुद नहीं सुन सकता, सच और झूठ? सच। अगला सुन के बताता यार, बड़े तुम घराटे में, ये तुम गालियां दे रही थी। जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर रोड पे चल रहा है, वो जीटी पायलट भी है ना आपके हस्बैंड, तो वो उसी वही आवाज निकालते होंगे। कभी सोते हुए बोला एरोस्टेस? नहीं होती, हो सकता है उन्होंने। अच्छा चलो, अच्छा तो वो ज्यादा लेते हैं खर्राटे, आप नहीं लेती वो बताते हैं? मैं नहीं लेती, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, ये तो रिकॉर्ड करके छोड़ना पड़ेगा। जी रिदा जी, अगर गालियां नहीं होती तो आधी दुनिया हाई ब्लड प्रेशर से मर जाती, सच और झूठ? ओए होए होए होए, झूठ। नहीं मैम, वैसे एक बात बताऊं, यहाँ भी कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ जाके बंदा अपनी दिल की भड़ास निकाल सके ना जगह। लेकिन आवाम के लिए नहीं है ना, आवाम टीवी में बैठ के देती है।
लेकिन यहाँ तो लोग खुद ही दांत को रेंद रहे होते हैं। मैं इस पर सोच रही थी कि देखें वो जो हज है हमारा उसमें जो शैतान को कंकरियां मारते हैं। हाँ, मैंने पहले शो में कहा हमारे कुछ पॉलिटिशियन को तीन खड़ा कर दो और तीसरे जो तीन खड़े में बैठे चाय पी लेंगे फिर तो वो जाएंगे वो खड़े हो जाएंगे। मेरे एक मेहमान दोस्त है वो सऊदी अरब से आया, मैंने कहा शैतान को कंकरियां मारी करा, रज बहुत था यार मैं गालियां देके आ गया। कंकरियां मारो गालियां दे दो जी रिदा जी। थर्ड है अगर जलने वालों का मुंह काला होता तो हमारे आधे रिश्तेदार काले होते, सच और झूठ? हमारे तो पूरे रिश्तेदार काले होते हैं और जिनके पहले से काले हों क्या होंगे वो काले लाल पीले चांदी हो जाएंगे वो पर्पल हो जाते हैं। आपके रिश्तेदार आपसे जलते? मेरे रिश्तेदार तो पता नहीं लेकिन सियासत में तो नहीं, सियासत में तो रिश्तेदारी थोड़ी है, वो तो निभाना है। रिश्तेदार नहीं है सच नहीं। लास्ट क्वेश्चन है कुछ लड़कियां सिर्फ इस दुख में कमजोर हो रही होती हैं कि 18 साल की उम्र में NIC में औरत लिखवाना पड़ गया, सच और झूठ? सच है ना, बहुत इरिटेटिंग लगता है था मुझे भी। उसमें लड़की क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों नहीं लिखते? कानून गर्ल्स कॉलेज क्यों नहीं लिखते? क्या खवातीन का स्कूल? हाँ, कॉलेज विमेंस कॉलेज, खवातीन का विमेंस कॉलेज। इतनी छोटी छोटी बच्चियां जा रही हैं उनको औरत बनाने की बात है। और लड़कियों का मन पसंद का आईडी कार्ड बनने लग गया ना तो तारीख पैदाइश पे क्या लिखा होगा आपको पता है? क्या मैं क्यों बताऊं? लिखा होगा मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? अच्छा अफराद अब आपकी बारी है सच और झूठ की। आपने सही सही जवाब देना है और उसके बारे में बताना है आपने सच क्यों कहा और झूठ क्यों कहा। पहला सवाल आपसे ये है कि पैसा वो वाहिद साबुन है जो हर किस्म के दाग साफ कर देता है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच, हर तरह के दाग साफ कर देगा। हमारे मुल्क का अदालती निजाम इतना स्लो है कि फैसला आने तक केस करने वाला ये भूल जाता है कि हमारा झगड़ा किस बात पे हुआ था। हाँ। यानी इतना लंबा चलता है। आपका सवाल बेसिकली आपका है। अच्छा नहीं, आपका कुछ केस चला है? नहीं, पकड़ा गया घर की अदालत में, बहुत चला है। हाँ, घर की अदालत में उसका फैसला तो भाई बहुत 3 मिनट में हो जाता है। पड़ोसी ने शिकायत की कि आपकी अदालत में ये शॉट जो मेरे घर में लगा लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सच और झूठ आप दोनों ने बड़े अच्छे जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी रिदा, अगर इजाजत हो तो हम ब्रेक पे जा जी सकते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वीकेंड पे भी जा सकते हैं। जी बहुत मजे का सिलसिला जारी है, यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। जी जनाब। जी मैम। जी जनाब, आप इंग्लिश में लेक्चर आ रहे हैं, बताइए उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे उर्दू फ्लेक्स, उर्दू फ्लेक्स, उर्दू ही बोलते हैं। अच्छा मैम, कुछ लोगों को मैंने देखा है जहाँ इंग्लिश नहीं बोलनी बिला वजह इंग्लिश बोल गए। आपने इंग्लिश में लेक्चर, आपने हराम जो इंग्लिश का एक वर्ड बोला, क्योंकि उर्दू में और हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छी बात है, और अच्छी बात है, आपको पता आप बोलेंगे हमें समझ में नहीं आएगा, हम बोलेंगे आपकी समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग आप उर्दू बोले प्रॉपर उर्दू बोल रही, जहाँ आपने इंग्लिश बोलनी वो इंग्लिश बोल रही, लेकिन कुछ लोगों का मैम बिला वजह इंग्लिश आपने भी खासतौर पर अपने सर्वेंट पे इंग्लिश में वो करते हैं, वो कहते हैं बोलता रहे हमारी कौन सी समझ में। बस नहीं चले शादी में निकाह का टाइम पे भी कबूल कबूल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यस एक्सेप्टेड। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है घर पे। अब हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ हमेशा उर्दू में बात की, और जब स्कूल में ज़रूरत थी कि इनिशियल क्लासेस थी उनकी, तो मैं बोलती थी इंग्लिश में, वाहिद नहीं बोलते थे। कि एक आदमी तो कम से कम उर्दू में बात कर रहा हो प्रॉपर तरीके से, तो मैं उनके साथ वॉक पे गई हूँ, बोल रही हूँ छोटे छोटे सेंटेंसेस, ये वो सब पिक कर लिया उन लोगों ने, बात ख़त्म हो गई। फिर जब मैं पढ़ाती हूँ तो वहाँ पर ज़ाहिर ज़रूरत थी तो वहाँ बोली, घर आके नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू बोलनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलें, ये कोई तरीका नहीं है कि बीच में और मुंह टेढ़ा कर करके जबान टेढ़ी करके बात कर रहे हो। एक्चुअली एक्चुअली भी नहीं, उर्दू सही बोल रहे होंगे। यार मैं बाहर गया, आज बहुत रेन हो रही थी। हाँ, बहुत रेन हो रही थी आज आपके लिए। आज आपके आज क्या पका था? आज हमने हैन बनाया। चिकन बहुत हो गया ना, तो हैन कूल हो जाए। अच्छा बहुत से लोगों को जब गुस्सा आता है ना जब इंग्लिश बोलते हैं,
आप गुस्से में बोलती है ख्वाब आप जितने भी ख्वाब देख लो जितने भी ख्वाब अंग्रेजी बोलते ना जितने ख्वाब हमेशा उर्दू में ही आते हैं ये क्या चक्कर है इंग्लिश में आते हैं वो ख्वाब इंग्लिश में कौन अरे देखो नहीं आते वो मोमबत्तियां लेके बंदा आगे जा रहा है अच्छा आप इंग्लिश में सोचते हैं उर्दू में सोचते हैं वाह वाह मैं अगर इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश में सोचूंगी अगर उर्दू जैसे आप अकेले तन्हाई में बैठी हैं सोच रहे हैं मैं तो उर्दू में सोचता यार यहाँ जाना ही पड़ेगा आप इंग्लिश में सोचती गालिब कशीर इंग्लिश में बोलती है कौन सपना अच्छा नहीं नहीं उर्दू में सोचती हूँ उर्दू में सोचती हूँ उर्दू में सोचती हूँ अफराज आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही मीडिया की बहुत जबरदस्त और बेहतरीन रही मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के रही और जितनी भी मेरी स्ट्रगल थी मैं जहाँ पे पहुँचना चाहता था अपनी जिंदगी में अभी शायद वहां तक नहीं पहुंचा लेकिन फिल वक्त जहां पे कुछ जगह पे पहुंच गए आप पहुंच गए शिकायत आई हमें शिकायत जहां जहां लोग नहीं जा रहे थे वहां पहुंच गए वहां मैं पहुंच गया हूं लेकिन इतना भी एक्सपेक्टेशन देखो अच्छा अफसर भाई फिल्म क्यों नहीं कर रहे आप हां क्योंकि आप फिल्म मटेरियल हैं अक्सर मैंने काफी लोगों को मैंने कहा जब आपके भले शॉर्ट फिल्म कर लें जब जब मोबाइल पे देख लें जब आपके पास कोई ऐसा गेस्ट आए ना जो प्रोड्यूसर उससे सवाल पूछेगा कि अफराज रसूल का फिल्म क्यों नहीं कर रहे ओ अच्छा अच्छा ये ले कांटेक्ट नंबर बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे वैसे है आपको शौक है अगर आप फिल्म करें कौन सी हीरोइन के साथ करेंगे मैं किसी के साथ भी कर लूंगा पर फिल्म होनी चाहिए अच्छा मतलब इतनी जज्बाती होगी क्योंकि पहली होगी ना ऑप्शन नहीं है हीरोइन के साथ करेंगे उसकी आखिरी होगी अगर मीरा के साथ चांस मिला आपको बिल्कुल तो फिर मीरा को चांस मिलेगा इनको थोड़ी मिलेगा करती है ना नए हीरोज के साथ काम करना चाहती है मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम बहुत बातें अच्छा मैम आपको कभी ऐसा दिल चाप कि ये बालों में ये बड़े फूल लगा के हाँ अच्छा साहब होता है ना कि आपको कभी फिल्म का शौक रहा हो किसी हाँ, को देख के मैं भी करूँ और किसी ने ऑफर किया क्योंकि आप इतना गुड लुकिंग है तो कोई करेक्टर दिया ऑफर तो आई होगी ऑफर तो आई होगी अब ये डिस्क्लोज करने लगी आप ब्लश कर अरे वाह वाह मैंने हम चैनल पे सुल्ताना आपा का जो है उसमें कोई 8-9 ड्रामा में काम किया था अरे मैं आपको तो हम आपका इंट्रोडक्शन दोबारा कराते हैं निश्चित वाहिद इनका फेस कोई जाना पहचाना है मैं इनके कान में कह रहा था कसम से मैं भी कह रहा मैंने देखा है आपको हम ये समझ रहे थे शायद असेंबली में शायद देखा होगा आप बता क्यों नहीं रहे क्योंकि हमारे सियासतदान तो आर्टिस्टों से ज्यादा टेलीविजन पे आते हैं वो तो आती हूँ ना मैं इसलिए वहाँ देख लिया होगा तो देख लिया है अच्छा तो किस लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई 2009 में मेरे ख्याल उस समय में चांद आ गया था उस समय फारिग थे ना बहुत टीवी देखते थे 2009 की बात कर रही हैं आप तो कौन सा ड्रामा था मैम अब तो मुझे नाम किसी का भी याद ड्रामे का नाम एक मायरा थी हम सफर में थी हम सफर में थी उसकी माँ की दोस्त थी उसकी माँ की दोस्त किसकी मायरा की माँ की दोस्त अरे वैसा तो माँ की आँख होती माँ की दोस्त पहली बार अच्छा उसकी माँ की दोस्त जी जनाब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो के है हेडलाइन लोगों ने एहतजाज किया है कि नलकों में पानी नहीं और सड़कें हैं पानी पानी मैडम इसके बारे में कुछ कहें ये क्या करें ये सड़कों पे जो पानी पानी है और नलकों में पानी नहीं नलकों में हवा आ रही है लोग बलून भर रहे हैं देखिए मैं आपको बहुत ही आसान एक तरीका बताऊं पानी सड़कों पे ना हो और पानी जाया ना हो समंदर में ना जाए अगर हम अपने घर के अंदर कोई 8 फुट गहरा गड़ा खोद लें या गली में और यकीन कीजिए वो सारा पानी उस गड़े के अंदर चलता जाएगा हर घर के आगे हाँ हर चलेंगे कहाँ फिर नहीं गड़े से रास्ता बनाओ नीचे केबल का भी काम करो घर के अंदर या तो घर के अंदर कर लें या घर के बाहर या गली के कोने में या इस तरह की जगह पे ये इतना आजमूदा नुस्खा है कि लिटरली सारा पानी उसमें चला जाएगा मिसाल है खेत भी खराब नहीं होगा मिसाल के ऊपर पानी मिसाल है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद गिरता है उसमें ये खुद गड़ा खोदे खुद ही गिरा खुद ही गिरे नहीं असल मजाक सेट के आपने बात अच्छी की आपने लेकिन करेगा कौन शुरुआत पहले कौन करेगा आप बिचारों के जिनके घर के आगे गड़े जितनी जगह वो कहां खोदे और जिनका घर ही गड़े में वो क्या करेंगे जो गड़े में गलियां कराची की गलियां इतनी छोटी है वहां मोटरसाइकिल खोल के घर के अंदर लेकर जानी पड़ती है फिर बाहर निकाल कर लानी पड़ती फिर बाहर जाकर पैक करके फिर लंबी करता है और सड़कें तो वैसी गड़े बनी हुई है लेकिन ऑनेस्टली अगर ये हम अपने गांव वगैरह में या शहर जो हमारे हैं जैसे थर है या बाकी हर जगह सैलाब आया है बलोचिस्तान में जी जी अगर वहाँ जगह 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 इस तरह हम कुएं छोटे छोटे खोद दें
तो ये फिर वहां नहीं जा रहा होगा मैडम, सब कुछ हो जाता है, आफतें आ जाती है, इसके बाद हम सोचते हैं कि काश ये कर लेते, हम ये कर लेते, उससे पहले हमारी प्लानिंग नहीं है। नहीं है ना प्लानिंग, यही तो सारी बात है। नहीं प्लानिंग, सिर्फ फैमिली प्लानिंग पे गौर है हमारा, वो भी आठ ना होने के बाद। वो भी कहां है मुझे बताएं, वो कहां है? पाकिस्तान की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, उतनी इंडिया की भी नहीं अब बढ़ रही है और बांग्लादेश की भी नहीं बढ़ रही। तो ये तो शाबाशी देनी चाहिए आपको, किसी चीज में तो आगे बढ़ रहे हैं। मैडम हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चे प्लानिंग से कम और रूठने मनाने की वजह से ज्यादा होते हैं। हाँ, ये चलो ना, जहाँ शोहर मना रहा है समझो काम खराब, और जहाँ बीवी मनानी है वहाँ काम खराब। अच्छा जी, ओके, कंटिन्यू करें प्लीज। विद ड्यू रिस्पेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। दुहाई है दुहाई, महंगाई है महंगाई, करेला भी लोगों की कुव्वत है खरीद से बाहर। करेला, यस, लेकिन मैम करेले का रिवाज मेरे ख्याल अफराज कराची में इतना नहीं है अब खाने का। नहीं, वो पंजाब में ज्यादा करेले गोश्त खाए। लड़के ही बोलते जानो करेले को हाथ मत लगाना वरना ही मीठे हो जाएंगे। लड़के फ्लड इस तरीके से करेले बीच में ले आते हैं, फ्लड करते हैं। ये प्यार की इंतहा है, कभी सच बोलते हैं लड़के? हाँ, ये करेले को हाथ लगाने का बोलते हैं ना इनको लड़कों ने, इनको लड़कों ने हमेशा झूठ बोला। जानू मैं वो टाइम पर वहां पहुंचा और वो पहुंचे नहीं। यूनिवर्सल क्वेश्चन है। अच्छा करेले खाओ ये क्या होता है, पता नहीं। हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ बनते हैं करेले, कीमा करेले, घर में मुंह बनते हैं करेले, करेले की अलग है। जी रिदा, नेक्स्ट जी। पेट्रोल की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। कमर तोड़ दी, टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दी, हर कुछ टूट गया। क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ रोशनी वोशनी चली गई, निकल जाते थे ना बाइक में, चले यार यहाँ तो बाइक पे आते, अब नहीं आते। भाई कॉलेज जाएंगे तो महंगा पड़ जाएगा, रोड पे ट्रैफिक भी कम हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक वीडियो पेट्रोल से नहीं चलता, वरना तो क्या हाल होता। सुकून हो जाता जिंदगी में। मैम सोशल मीडिया की कितनी अहमियत है मैम आपकी जिंदगी में, ये बताएं। बहुत ज्यादा, स्टेटस वगैरह लगाती है, वीडियोस लगाती है अपनी, कहीं जाती है तो? मेरा एक्चुअली ऑफिशियल पेज है फेसबुक का। अच्छा, तो किसी ने फाड़ा नहीं वहां से? नहीं नहीं, पक्का पेज। अच्छा, पक्का पेज। तो उसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 24,000 माशाल्लाह लाइक्स हैं, फॉलो करते हैं, तो वो जो भी एक्टिविटी होती है वो जाती है उधर। सोशल मीडिया की कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और किसी भी टाइम कर सकते हैं। मतलब टाइम बाउंडिंग है ही नहीं ना, आप रात में 3 बजे उठे दिमाग में वीडियो बनाई डाल दिया आपने, वही वही लेटे लेटे वही। अच्छा, लेकिन कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए मैडम, बहुत अच्छी इंग्लिश बोली मैंने, इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गए इतनी कॉम के लोग के, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसका बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इस कॉम का नेट बंद कर दो। मतलब एक कह रहे हैं नेट बंद होगा तो लोग कामों पे जाएंगे, कामों पे जाएंगे, ध्यान वहां देंगे। नेट ने भी तो कितने हमारे मसले हल किए, शऊर दिया है। हां मैडम, आप क्या कहेंगे इस बारे में, नेट बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं बंद होना, बिल्कुल नहीं। मैम से लगता है आपको नेट बंद कराएंगे? मुझे लगता है लोड शेडिंग बंद होने लगेगी, बिजली का गेट बंद करेंगे। वैसे भी देखिए, आज की दुनिया में अगर नेट बंद हो गया तो आपको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन टच रहने के लिए भी तो जरूरी है। बिल्कुल, चाइना में अपना इनका गूगल है, वो नहीं देखने देते। क्या बात है, ना आप गूगल देखेंगे ना आप यूट्यूब देखेंगे, उनका अपना सिर्फ एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को और एक जैसी शक्लें कब तक देखो, बीवी कौन है साला कौन है पता ही नहीं चला। वाह वाह वाह, सिर्फ चाइनीज एक दूसरे से कह सकता है जहां तेरे जैसा बहुत देखे। चाइनीज की क्रिकेट टीम भी इसलिए नहीं बनती, एक आउट हो गया दोबारा आ गया किसको क्या पता, ये तभी कहेंगे सारे जैसे। लेकिन मैडम आप भी जब हंसते हैं थोड़ी चाइनीज हो जाती है, मजाक नहीं कर रहा मैडम, अल्लाह की सलामत रहे, आप खुश रहे, आबाद रहे, बहुत हंसता मुस्कुराता चेहरा आपका इसी तरह रखे। अफराज भी बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आदमी है सर। और मैम ये बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल, और आपने इतना हमें करीब आने का मौका दिया, हमें बात करने का, इतनी दूर से करीब आने का मौका दिया, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपके साथ बोलने से पहले हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा, तो ये आपकी सबसे अच्छी बात है। शुक्रिया। और अक्सर लोग पीटीआई के लोगों में हमने देखा है कि बड़े पॉजिटिव हैं, जो बात हम खुल के कर सकते हैं उनके साथ, ये सबसे अच्छी बात। बाकी भी पॉजिटिव होते हैं लेकिन बाद में पता नहीं चलता, बाद में पता नहीं चलता। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब आप लोग के पास कोई पॉलिटिशियन आता है तो आप लोग के पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये सवाल पूछने आप? नहीं नहीं, कुछ आपने देखा, मैंने कोई देख के पूछा या लेते देख के पूछा होता है ना कि ये सवाल नहीं पूछने, क्या ये वो आते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं लेते हैं, हम अपने पंच लेकर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खान साहब से जैसे, खान साहब ने कभी किसी टीवी चैनल को नहीं कहा कि मुझसे ये क्वेश्चन करना है या मुझसे ये क्वेश्चन। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, कभी पेपर देख के नहीं पढ़ा उन्होंने,
और बहुत छोटी सी हूँ मैं उनके मुकाबले में, लेकिन मैंने भी कभी पेपर देख के स्पीच। मैम नुसरत भाई साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अफराज रसूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत क्यूट हैं दोनों, ऐसे ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें औरों को भी खुश रखें। मुझे उम्मीद है कि पीटीआई ऐसा करेगी इंशाल्लाह, कोई भी तंजीम में वो ऐसा जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का, थैंक यू सो मच। जी दीदा जी, दिल तो नहीं चाह रहा कि गुफ्तगू का ये सिलसिला मुनकता किया जाए, लेकिन क्या करें कि वक्त की इजाजत नहीं है, जाना पड़ेगा। अगली एपिसोड में हमसे मिलिएगा, इसी तरह हंसते मुस्कुराते बहुत प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, ये सरप्राइज है ये हम आपको उसी वक्त बताएंगे। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब।